हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू न्यू जॉब ओपनिंग। ठीक है, तो आज की जो जॉब ओपनिंग रहने वाली है वो रहने वाली है टेक महिंद्रा। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं इस कंपनी में, तो मैं मतलब अनगिनत सिलेक्शन है इस कंपनी में। मेरे चैनल के थ्रू, मेरे इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ जिनके सिलेक्शन होते रहते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। पिछले वीक अबव 100 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे टेक महिंद्रा के अंदर ही, और फ्लिपकार्ट के अंदर भी हुए थे। तो मेक श्योर कि आप इधर अप्लाई ज़रूर करो, क्योंकि इधर आपको पर्सनल नंबर्स मिलते हैं एचआर के, पर्सनल ईमेल्स मिलते हैं एचआर के, राइट। देखो यार, आप लोग काफ़ी सारे कैंडिडेट डीमोटिवेट हो जाते हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप लोगों ने लाइव देखे हैं कभी मेरे उनके साथ, जिनका जिनका सिलेक्शन होता है, मैं लाइव जाता हूँ उन कैंडिडेट्स के साथ। तो वो लोग क्या बोलते हैं, हमें पता नहीं होता था कि हम एक एक दिन में कितने फॉर्म्स भरते थे। ठीक है, तो यार पीछे लगे रहो वैकेंसी के और अपने स्किल्स बॉन्ड अप कर लो। आपके अंदर स्किल्स नहीं होते, राइट। कि आजकल देखो यार, आजकल होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, आप लोग हॉस्पिटल में जाओ, हर जगह आपको एक चीज़ क्या कॉमन दिखती है, कॉमेंट करके बताओ ज़रा। नहीं गेस कर पाए होगे ना, हर जगह आपको कंप्यूटर ज़रूर मिलता है। तो कंप्यूटर आपको आना चाहिए, आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, कहीं भी। हर एक ऑफिस में इंडिया के कंप्यूटर ज़रूर है, हर एक हॉस्पिटल में है, हर एक रेस्टोरेंट में, राइट। बट ढूंढना भी तो पड़ेगा आपको, और ढूंढोगे तो अप्लाई भी करना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि आपने प्रथम चौधरी के वीडियोज़ देखे, अप्लाई नहीं किया, या एक वीडियो देखा, एक में अप्लाई किया, और आप देख रहे हो मेरी मेहनत, देख रहे हो आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करो, धूप हो रही है और आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली मेरा जो स्टूडियो और घर है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो मैं रेंटल प्रॉपर्टी पे आ रखा हूँ, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, मेरे को आप लोगों के सिलेक्शन से मैटर है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होंगे, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे को बहुत खुशी होती है जब इतने सारे कैंडिडेट्स एक साथ सिलेक्ट होते हैं। सबके साथ मैं लाइव आता हूँ, सबके पोस्ट डलते हैं वहाँ पे। सो आप लोगों का भी नेक्स्ट चांस है। ठीक है, तो इस तड़कती धूप में जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको मेहनत करनी है सिलेक्शन के लिए। पेरेंट्स को प्राउड कराना मेन मेरा यही मोटिव है, कि आप सब लोग अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाओ, सपोर्ट करो फैमिली को। ठीक है, तो अब अप्लाई प्रोसीजर पे बढ़ जाते हैं आगे। टेक महिंद्रा के अंदर मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट कैन अप्लाई, दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इसमें कॉलिंग के जॉब्स भी हैं, डेटा एंट्री के जॉब्स भी हैं, इसमें डेटा साइंस के जॉब्स भी हैं, और इसके अंदर मार्केटिंग के जॉब्स भी हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप एक ही सोचो, और इधर मैं जितने फॉर्म्स बताऊंगा उससे ज़्यादा ही भरने हैं आपको। ठीक है, खुद भी आपको सर्च आउट करना पड़ेगा, समझ गए। तो अब मैं इसमें आपको ऑन स्क्रीन लेके चलता हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट समझ आ जाए कि कैसे करना है। एंड वन मोर थिंग, आपने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया हो चैनल तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिले, और सिर्फ सब्सक्राइब करने से यार काम नहीं चलेगा। बेल आइकन है ना, उसके साथ में घंटी का आइकन, उसको दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। और लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगेगा कि यार मेरी मेहनत को एटलीस्ट आप लोग पसंद कर रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, ऑन स्क्रीन लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, ताकि आप इजीली मोबाइल पर कर सको। एंड वन मोर थिंग, अगर कभी भी एचआर आपसे पूछते हैं कि डू यू हैव अ लैपटॉप और अ पीसी, यस बोलना, हमेशा मैंने बोला। और मेरे कैंडिडेट्स इसीलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कुछ जो नो बोल देते हैं जल्दबाजी में, यस बोलना है। अगर आपने यस बोला, समझो, ठीक है, मेरे पास कैंडिडेट्स जो आते हैं ना, मैं उनको लैपटॉप वाला जॉब फ़ोन में करवा के दे देता हूँ। कैसे, वो सब मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट आपको यस बोल के जॉब ले लेनी है, जॉब नहीं खोनी है आपको। क्योंकि एक महीने की भी सैलरी आई तो आप इंस्टॉलमेंट पे ऑब्वियसली ले ही लोगे। आपकी 30-40 हज़ार रुपये सैलरी आई तो 30-40 हज़ार रुपये में तो लैपटॉप आ जाता है, पहली सैलरी से ही आप लैपटॉप खरीद लोगे। तो टेंशन क्यों लेते हो, अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो अपने से, राइट। अब चलते हैं अप्लाई मेथड पर, बहुत देर हो गई। आप लोगों को समझाना भी एक्चुअली ज़रूरी होता है, बिकॉज काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना, कुछ छोटे मोटे पॉइंट से ही रिजेक्शन होता है। ये अगर आपको गाइड कर दूंगा मैं, तो आप लोगों का रिजेक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, ऑन स्क्रीन चलते हैं अप्लाई मेथड। आपको सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना jobsallindia.com, आपने सर्च कर लिया, पोर्टल ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे आपको सिंपली नीचे स्क्रोल करना है, जैसे आप स्क्रोल करोगे नीचे, ठीक है, आपने स्क्रोल किया, ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे स्क्रोल कर लेता हूँ, यहाँ पे सेकंड नंबर पेज पर मैं आता हूँ। जैसे मैं सेकंड नंबर पेज पर आया, यहाँ पे आपको स्क्रोल करना है। यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रोल किया, यहाँ पार्ट फ्रेशर्स ओपनिंग फॉर टेक महिंद्रा मिल जाएगा आपको। इधर नहीं मिलेगा तो थर्ड पेज पे देख लेना, न्यू जॉब चलते ना तो ये नीचे नीचे होता जाता है, राइट। थोड़ा स्क्रोल करूंगा मैं इसको, सारा जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, पढ़ लेना। बिना पढ़े करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, फिर मत बोलना, राइट। पढ़ लेना क्या सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा लिख रखा है यहाँ पे। कैरियर कोड, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है समझने में, राइट, तो उनके लिए हिंदी में भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो थोड़ा वेट करो, हिंदी का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बिना पढ़े बस अप्लाई मत करना।
एचआर के नंबर दे रखे हैं, ठीक है, इनको आप व्हाट्सएप करना, राइट, अपना रेज्यूमे, कॉल मत करना, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इसमें मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए हिंदी में मैंने सब कुछ अवेलेबल कर रखा है, आप लोगों के लिए हिंदी में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सो मेक श्योर हिंदी में प्रॉपरली पढ़ लेना जिनको इंग्लिश में प्रॉपरली समझ ना आया हो। अब मैं अप्लाई नाउ पे फाइनली क्लिक करूंगा। 20 सेकंड्स के लिए एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे वेट करना है जब तक जॉब का लिंक जनरेट हो रहा है, उसके बाद अप्लाई नाउ, यहाँ पे जहाँ पे जनरेट जॉब लिंक आ रहा है वहां पे अप्लाई नाउ आएगा, वहां से अप्लाई नाउ करूंगा। अब एक चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रोल डाउन करूंगा, यहाँ पे नीचे ना कैटेगरीज दे रखी है, तो आप जिस कैटेगरी में आते हो आप उधर जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। 10 12th पास जॉब्स पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस ये पोर्टल मेरे को 10th एंड 12th पास के ही जॉब्स दिखाएगा सिर्फ, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करना, इस जॉब को, ये जो अभी आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, इस जॉब को अप्लाई करने के बाद कैटेगरीज में आके अपने कैटेगरी में और जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर लेना। आप अप्लाई नाउ पे इधर मैं क्लिक करता हूँ, देखो न्यू सारी न्यू वैकेंसीज है, आप सब में अप्लाई करना, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अप्लाई करना, जितना कम अप्लाई करोगे उतना कम सिलेक्शन हो पाएगा, राइट, और जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ज्यादा चांसेस रहते हैं सिलेक्शन के। अब देखो एक चीज का मैं बता देता हूँ, इसको मैं ओपन करूंगा, जैसे मैंने ओपन किया देखो एचआर का यहाँ पे नंबर भी दे रखे, राइट, हर एक चीज दे रखी है, और जो नोएडा से है वो जाके इधर इंटरव्यू दे सकते हैं, और जो नहीं है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दो, ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही आपको सब पर क्लिक करके धीरे धीरे करके सब में अप्लाई कर देना। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपसे वैकेंसीज मिस नहीं होनी चाहिए, आपसे मिस हो जाएंगी वैकेंसीज तो आप बोलोगे फिर अपडेट्स नहीं मिल रहे, और ये बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ना ऑल सिलेक्ट कर लो ताकि आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशंस आते रहें, राइट। और आपको क्या करना है, आप यहाँ पे वीडियोस वाला सेक्शन, ये प्लेलिस्ट पे आओगे, यहाँ पे आपको सारे देखो फ्रीलांसिंग, 10th पास जॉब, जॉब फॉर ग्रेजुएट्स, वुमेन्स हाउसवाइफ, जैसे गवर्नमेंट जॉब का खोला मैंने तो गवर्नमेंट जॉब की जॉब्स के मेरे को सारे वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप इजीली अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। बैंकिंग पे क्लिक करूंगा मैं तो बैंकिंग से रिलेटेड मेरे को सब मिल जाएगा। इसी तरीके से आप किसी पर भी क्लिक करोगे, वर्क फ्रॉम होम पे क्लिक करोगे, वर्क फ्रॉम होम, तो अपने अकॉर्डिंग जाओ चैनल पे एंड स्टार्ट हो जाओ। एंड वन मोर थिंग, चैनल पर यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग चैनल भी मिल जाएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है ब्लॉग्स देखने में, सो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ब्लॉग्स भी देखने को मिल जाए। सो फ्रेंड्स, होप्स आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। मेन चीज है आप सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन प्रोसीजर अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो। सेकेंड चीज, इंटरव्यू टिप्स बाय प्रथम चौधरी, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, फर्स्ट नंबर पे मेरा वीडियो मिल जाएगा, जाके पूरा वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि इंटरव्यू कैसे देना है एंड एवरीथिंग। कोई फीस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई है, और इंटरव्यू टिप्स बाय प्रथम चौधरी सर्च करके वीडियो जरूर देखना, आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं ऐसी न्यू ओपनिंग के साथ। सब्सक्राइब करके जाना चैनल, सब्सक्राइब कर दो, फिर आप बोलते हो कि वैकेंसी की अपडेट्स नहीं मिले, और उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। बेस्ट ऑफ लक।